कोरोना के कम होते कहर के बीच अब उपचुनाव की हलचल तेज होने लगी है, जहां इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने घर पर कांग्रेस नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों के साथ ही उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर भी चर्चा हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव की हलचल के बीच कमलनाथ के घर कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ ने ली कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक। उपचुनाव को लेकर तैयार हुआ कांग्रेस का खास प्लान। दावेदारी से लेकर जीत तक कमलनाथ ने बनाई खास रणनीति। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने घर एक बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित कई विधायक मौजूद रहे। बैठक में उम्मीदवारों के चयन के साथ ही चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में शामिल होने आए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा कि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां के कांग्रेस नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। जहां लोकसभा का चुनाव होगा वहां के कुछ साथियों को आज यहां पर आमंत्रित किया है, उनसे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हम और हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सचिव बैठकर हम चर्चा करेंगे, राय मशविरा करके आज वर्तमान में क्या स्थिति है, आगे और क्या करने का हमें फैसला करना है, उन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। अभी बैठक तो शुरू होनी ही है, बैठक के बाद में और विस्तार से आपसे बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा होने के साथ ही रणनीति तय होगी। पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने एक आवश्यक बैठक बुलाई है, जिसमें मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के बारे में चर्चा होगी, रणनीति तय होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया की माने तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पहले सबसे विचार जानेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। हाँ, तो आज मतलब हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने सबको बुलाया है और सबके विचार जानेंगे और जानने के बाद फिर वो निर्णय लेंगे। सेना ने दावेदारी ठोक दी है खंडवा से। वो तो दावेदारी हर कोई करने का अधिकार है, जब पार्टी हाईकमान तय कर लेगा उसके बाद सब एक साथ है। सर, जोबट विधानसभा क्षेत्र को लेकर जोबट में भी वो सब एकजुट है और मैंने सबने ये कहा कि मैंने कमलनाथ जी जो फैसला करेंगे वो मान्य रहेगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि कमलनाथ ने बैठक में हवाबाजी करने वालों को चुनाव से अलग रहने की बात कही है। हवा हवाई जो राजनीति करते ये हैं, ये शिवराज चौहान हो ये करते हैं। कमलनाथ जी ने कहा है ना कि सर जो हवा हवाई राजनीति करते हैं वो हवा हवाई मत करें, तो जमीनी स्तर की करें। ये एक अच्छी बात हुई ना, एक बड़े नेता के राजनीतिक जीवन का अनुभव बांटा कि भैया जिनको हवा हवाई करना हो एक तरफ हो जा, जो वास्तव में है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर विधानसभा में जो लिस्ट आप मुझे सौंप रहे हो मंडल और सेक्टर की, मैं खुद फोन लगाऊंगा, मैं वेरीफाई करूंगा कि ये जमीनी आदमी है कि नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो हवा हवाई राजनीति करते हो कृपा करके अलग हो जाए, हमें ठोस काम करना है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बैठक में मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को अहम दिशा निर्देश दिए हैं, जहां उन्होंने मिलजुल कर काम करने की बात कही। कार्यकर्ता और नेता थे, उनसे अध्यक्ष जी ने और मुकुल वासनिक जी ने, कमलनाथ जी ने और मुकुल वासनिक जी ने बातचीत की, अपने उनके उद्बोधन हुए हैं। और अब इंडिविजुअल हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब तीन विधानसभा लोकसभा अलग अलग लोगों से वन टू वन वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ना क्या है वो चल रहा है। अभी उसका पहला फेज सबको इकट्ठा कंबाइंड होकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सबको मिलजुल के काम करना है। और जो सर्वे होगा, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी, कोई किसी का प्रत्याशी नहीं है,
ये बात अभी उन्होंने की है। अब इंडिविजुअल एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से एक एक से मिल रहे हैं और उसका जो निचोड़ आएगा वो शाम को आपको बता दिया। पूर्व मंत्री हनी बघेल ने बैठक के बाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस की पूरी तरह से तैयारी है और 15 महीने का जो कमलनाथ जी का कार्यकाल रहा है, काफी कुछ प्रदेश को दिया और जिन विधानसभा क्षेत्रों में और जिस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, कांग्रेस पूरी तैयारी से वहां पे जाएगी और 15 महीने में जो हमने किया है वो जनता के बीच में लेके जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो होने वाली उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां कमलनाथ ने अपने घर बैठक लेकर कांग्रेस नेताओं को खास दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।